नमस्कार, भंसाघर में आपका स्वागत है। मैं हूँ ममता मिश्रा। आज हम बनाएंगे आंवला का चटनी। पहले हम आंवला को उबाल लिए हैं, उबाल करके उसमें से बीज निकाल दिए हैं, और धनिया पत्ता और हरी मिर्च सब डाल करके बीज निकाल लिए। अब हरी मिर्च धनिया पत्ता डाल करके हम इसे सिलबट्टे पर पीस लेंगे। आपको हो तो, हम तो सिलबट्टे पर पीस रहे हैं, आपको ये इच्छा हो तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन हमको तो सिलबट्टे का ही अच्छा लगता है, इसलिए हम सिलबट्टे पर पीस रहे हैं, टेस्टी लगता है। इसमें नमक डाल देंगे और नमक डाल करके हम इसे पीस लेंगे इस तरह से। चटनी जब भी खाएं, सिलबट्टे का ज्यादा टेस्टी होता है। हम तो सिलबट्टे का ही चटनी पीस करके खाते हैं, कुछ का कोई भी चटनी। देखिए मेरा चटनी पिसा गया। एक बार और हम पीसेंगे इसको। देखिए कितना सुंदर महीन होते जा रहा है, आसान से पिसा भी गया है आसानी से। देखिए महीन पिसा गया मेरा चटनी। अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे। कितना जल्दी मेरा चटनी पिसा गया इस तरह से पीसकर। आप लोग खाएं और कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।